التسلسل. ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि गुरुभ्यो नमः। कल हमने शुरू से देखा था पतंजलि योग दर्शन में समाधि पाद का, शुरू से प्रथम सूत्र से लेके 140 तक, प्रथम पाद के वन सूत्र, प्रथम सूत्र से लेके 40 सूत्र तक। वहां पे प्रथम सूत्र, पहला सूत्र क्या था? अथ योगानुशासनम। अथ इत्युक्ते अधिकारार्थ, शास्त्र से आरंभ भवति इति ज्ञातव्यम्। पुनः योगानुशासनम, योगस्य अनुशासनम, अनुशासनम नाम पूर्वं शिष्टस्य पुनः शासनम्, पूर्वमपि आसीत्। पुनः योगस्य लक्षणं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तस्य फलं किम् अस्ति? तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्। तदा इति, तदा उसका फल क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्। द्रष्टु इत्युक्ते पुरुषः, स्वरूपे वस्थानम् इत्युक्ते अपने स्वरूप, जो उसका शुद्ध स्वरूप है उसको वो प्राप्त करता है जब चित्तवृत्ति का, चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। जब चित्तवृत्तियों का निरोध होता है तो उस समय अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे मन में प्रश्न आता है कि जब निरोध होता है तब प्राप्त होता है, तो जब निरोध नहीं होता है तो उस समय कौन से, किस प्रकार, किस स्थिति में रहता है? इसलिए बोलते हैं आगे वाला सूत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों में रहता है। कौन सी वृत्तियां? पंच प्रकार की वृत्तियां, और वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, दो प्रकार की है। क्लिष्ट मतलब जो योग साधना में, मतलब रजस और तमस में विघ्न डालती हैं अथवा दुख जनित कर, दुख जन्य है जो, वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और जो सात्विक वृत्तियां, सात्विक वृत्तियां वो अक्लिष्ट है योग साधना में। इसलिए वृत्तयः द्विधाः, क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। पुनः के वृत्तयः इत्युक्ते नाम पंचवृत्तयः, प्रमाण विपर्य विकल्प विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाणम इत्युक्ते त्रिविधम प्रमाणम, नाम योग दर्शन और सांख्य वाले तीन प्रमाणों को मानते हैं। प्रमाणम इत्युक्ते दृश्यते अथवा प्रूफ, तत्र त्रिविधम अस्ति प्रमाणम अपि, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण इत्युक्ते जब दृश्यते इंद्रिय सन्निकर्षः, पुनः योगे तथा अस्ति नाम इंद्रिय सन्निकर्षः प्रमाणं न भवति, वृत्तिरेव प्रमाणं भवति। इंद्रिय प्रणालिकाया नाम इंद्रिय प्रणाली के द्वारा इस वस्तु को हम देखते हैं, उसकी वृत्ति, उसका जो आकार, बुद्धि जो पुरुष का, पुरुष बोध कराती है, वो ही वृत्ति प्रमाण मानी जाती है सांख्य और योग में। वो तीन प्रकार से प्रत्यक्ष हो सकता है, अनुमान हो सकता है, आगम हो सकता है। अनुमान इत्युक्ते जो हमने पहले देख लिया, तुल्य जाति ऐसा कुछ बाद में दिखेगा, तो वैसा ही जैसे धूम अग्नि, यहाँ जहाँ हमने धूम देखा, अभी धूम महानस में देखा, हमें अनुभव है, इसलिए हम कहीं पहाड़ी पे भी धूम देखेंगे तो हमें अग्नि का ज्ञान होगा कि हाँ यहाँ यहाँ धूम होता है, वहां वहां अग्नि होती है। आगम प्रमाण इत्युक्ते यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता मतलब जिसने जो देखा हुआ है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जिसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, व्यास मुनि इत्यादि, ऐसे लोग। और ऊपर से शास्त्र का आगम इत्युक्ते वेद प्रमाण, तथापि वक्तुं शक्यते, नाम आगम इत्युक्ते वेदः, जो लिखा हुआ है। अभी योग का लक्षण योग है चित्तवृत्ति निरोधः, हम कैसे जान सकते हैं? इसलिए लिखा हुआ है, हमने पढ़ा, वैसा जो लिखा हुआ है उसको प्रमाण मान सकते हैं, ये प्रमाण हो गए। तथा परं किमस्ति नाम एवं प्रमाण, विपर्य, विपर्य इत्युक्ते मिथ्या ज्ञानम। पुनः वस्तु शून्य, विकल्प इत्युक्ते वस्तु शून्य, यथा पुरुषस्य चैतन्यम, वस्तुतः पुरुष है वह चैतन्यम, पुरुष ही चैतन्य है, पुरुष का चैतन्य हम नहीं बोल सकते, संबंध हम वहां पे नहीं दिखा सकते। जैसे और राहो हो शिर, राहो राहु राहु ही शिर है, लेकिन राहो राहु का शिर ऐसे नहीं बोल सकते, राहु एक खुद ही शिर है। इसलिए वस्तु शून्य होती है, सिर्फ शब्द ज्ञान होता है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्दों के द्वारा ही हमें एक वो वृत्ति कल्पित होती है, वस्तुतः कल्पित कल्पना होती है, कोई वस्तु शून्य नहीं होती है। आकाश पुष्पम बोल सकते हैं लेकिन है नहीं। तथा परम किमस्ति, वृत्ति अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, नव जागृत स्वप्न अवस्था रूपाया वृत्ते अभाव निद्रा भवति, अर्थात यस्याम अवस्थायाम सुखादीनाम ज्ञानम न भवति।
वसुधा स्मृति रूप भवति। ना मैं आज मैं बहुत अच्छे से नींद किया, आज मैं ऐसे किया, वो स्मृति एक है। लेकिन उस समय जब अभी अभी हम जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, या कुछ भी हम देख रहे हैं, ये अनुभव उस समय नहीं रहता है। सा निद्रा पुनः स्मृति ही, इन चारों वृत्तियां जो ऊपर हमने देखी उनका जो स्मरण है वही स्मृति है। तथा परम अब नम एतेषां चित्तवृत्ति नाम वृत्तीनां निरोधः कर्तव्यः। कथं कर्तव्यः? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः इति उच्यते सूत्रे सूत्रकारेण। अभ्यास और वैराग्य के साथ इन वृत्तियों का हम निरोध कर सकते हैं। अभ्यास इत्युक्ते तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। तत्र इत्युक्ते अष्टांग योगे अथवा साधनायाम अथवा निरोधः यथा क्रियते, मतलब आगे आगे उपाय बताए जाएंगे कि किस किस में करना चाहिए, उसी स्थिति में यत्नशील रहना चाहिए, वही एक अभ्यास है। पुनः पुनः अभ्यास है, पुनः पुनः करने से अभ्यास होगा। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि इति अभी अस्ति अग्रे नम। और वो ये अभ्यास जो है इसलिए पुनः पुनः इति उक्तम नम यत्न सामान्य भाषा दीर्घ काल पर्यंतम भवेत नाम अद्य कृत, आज हमने किया कल नहीं करेंगे, परसों किया, ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे नहीं। सत्कार युक्त होना चाहिए और ऊपर से दृढ़ भूमि, दृढ़ता एक होनी चाहिए, सत्कार सत्कारी मतलब से सत्व युक्त होना चाहिए और दीर्घ काल पर्यंत निरंतरता से होना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य न्यू लार्ज हॉस्पिटैलिटी न्यू लार्ज तक हुए क्या भारत देश में किए हैं ना अपने। हाँ पुनः बहुत क्या दृष्टानुश्रविक वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टः इत्युक्ते लौकिकम्, लौकिक विषयाः ये सन्ति। अनुश्रविकाः इत्युक्ते वेदा वैदिक विषयाः। वैदिक विषयोपि नाम यथा यत्र शब्दादि विषयाः, यथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा वेदे इतोपि बहु अस्ति नाम, एवं स्वर्गं प्राप्तुं तथा नाम वैसा स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी उपाय वगैरह ये सब है। वो सब में पर वैराग्य वासना रहित कर्म हर में करने चाहिए, उससे ही वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए वितृष्णस्य नाम वासना रहित वशीकार, जो उसके ऊपर वितृष्णा आती है विषयों के ऊपर, उसी को वशीकार करके उसी में अभ्यास करना चाहिए, वही वैराग्य उत्पन्न करता है। पर वैराग्य ये सामान्य वैराग्य और पर वैराग्य से भी ततः परम किम भवति नाम अग्रे सूत्रमस्ति। ततः परम पुरुषख्याते गुण वैतृष्ण्यम नाम, अगर सामान्य वैराग्य प्राप्त होगा तो उससे वो उसकी भूमिका लेकर आगे पर वैराग्य उत्पन्न होगा। पर वैराग्य मतलब गुणों में भी सत्व रजस और तमस, ये हमें संस्कृत मतलब सांख्य और योग दोनों का मेन सिद्धांत मतलब यही है। सृष्टि किससे, प्रकृति क्या है, सत्व रजस तमस, इन तीनों की जो काम करने की शक्ति है, जो काम कर रहे हैं ये, इस वही प्रकृति है। साम्यवस्था में ज्यादा प्रलय भवति, अथवा तीनों गुणों की जो साम्यवस्था है, जब आपस में कुछ भी काम नहीं करते हुए मिलके तो साम्यवस्था रहती है, उस समय सृष्टि नहीं होती है। लेकिन जब भी वो मिलकर काम करते हैं तब सृष्टि होती है। उन गुणों में भी विराग उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, उससे हमारा भोग समाप्त होता है, जो बीज अविद्या जो है उसका नाश होता है और संसार हमारा नष्ट होता है। उसके बाद इससे क्या होगा, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। नम वितर्क विचार आनंद अस्मिता, आनंद अस्मिता, ऐसे करने से जो वृत्तियां हैं उनका संप्रज्ञात समाधि उत्पन्न होने लगती है पर वैराग्य से। तदेव वितर्क विचार आनंद अस्मिता इत्येतेषां साक्षात्कारेण संप्रज्ञाता समाधि ही भवति इति नम योग सूत्रे अस्ति। नम इनके उत्पन्न होने से संप्रज्ञात समाधि उत्पन्न होती है, आरंभ होता है उसका। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, इत्युक्ते वृत्तियां जो है, जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण ये सब वृत्तियां जो है देखी, इन सब का इन सब विराम हो जाता है, मतलब ये लय हो जाती है, रुक जाती है, ध्वंस हो जाता है इनका, और हमारी जो संस्कार रह जाते हैं वो चित्त में संस्कार रह जाते हैं, वृत्तियों का नष्ट होता है, वो होती है संप्रज्ञात समाधि। आगे भी आएगा ये, और 41 42 ऐसे सूत्र में संप्रज्ञात समाधि, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सांकेतिक मात्र से बताया कि विराम उस समय क्या होता है, हमारे चित्त का जो वृत्तियां हैं उनका लय हो जाता है, वो रुक जाती है और संस्कार मात्र रह जाते हैं।
इसके लास्ट में ही सूत्र आएगा, एक 51 50 सूत्र में, उसमें बताया जाएगी कि संस्कारों का भी को भी नष्ट करने से क्या होगा, वो आगे आएगा। जैसे हम एक तालाब होता है, तालाब में अगर तरंगे वगैरह चलती रहेंगी तो हम अपने स्पष्ट रूप से अपने मुंह को नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से तड़ा का जो मूल है नीचे उसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर तरंग नहीं होंगी, साफ एकदम दिखेगा, तो हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वैसे ही हमारे चित्त में भी जो तरंगे, जो वृत्ति व्यापार चलता है, उस व्यापार को हम नष्ट करेंगे तो स्वरूप को जान पाएंगे, अपने शुद्ध स्वरूप को जान पाएंगे। तथा परम नाम भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम, ऐसे करके वो समाधि आती है। तत्र वहां पे भी तीव्र संवेगा नाम आसन्न, मतलब जल्दी भी सिद्ध होती है। किनकी जल्दी सिद्ध होती है? मृदु मध्य अधि अधिमात्र, ऐसे वहां पे सूत्र है, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। इत्युक्ते नाम मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र, इन तीनों में भी अधिमात्र तीव्र जो है उनकी जल्दी समाधि सिद्ध हो जाती है। जल्दी समाधि मतलब अल्पकाल, ज्यादा समय नहीं लगता। किसके कारण? ईश्वर प्रणिधानात्। प्रणिधानम इत्युक्ते भक्ति विशेषः। ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? जो हमें पहले ये सब वैराग्य पर वैराग्य ये सब उत्पन्न करने में जितना समय लगता है, जिसकी भक्ति विशेष होगी या ईश्वर कृपा जिस पे होगी, उसको उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। मतलब करने की अभी साधना तो करनी चाहिए, लेकिन उसको उतना समय नहीं लगता, इसलिए उसका तीव्र संवेगा नाम आसन्न, मतलब तीव्र से समाधि सिद्ध होती है। पुनः ईश्वर के ईश्वर से लक्षण किम तदा उच्यते, क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। कल हमने ये सब देखा, क्लेश मतलब पंच क्लेशः, विद्या स्मिता राग द्वेषः विनिवेशः। अविद्या ऐसा कुछ नहीं है, कर्म विपाक आशा वगैरह वासना वगैरह कुछ नहीं है, वैसा पुरुष विशेष ईश्वर है। और भी बहुत उसका मतलब उनके लक्षण है, या उनके बारे में मतलब ईश्वर के बारे में व्यास भाष्य में बहुत बताया गया है, इतना उसमें हम डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इतना उसका लक्षण हम देखेंगे। तत्र वही क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर कीदृश पुरुष क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट, यहाँ एतेषां नाम पराम अपरामृष्ट अस्ति, सः पुरुष विशेष ईश्वर अस्ति। तस्य निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम महाभाव, उस ईश्वर में सर्व ज्ञान सर्व वगैरह सब कुछ है, इसलिए अति उत्कृष्ट ज्ञान या अतिशय रूप से ज्ञान है, इसलिए बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, या ऐसे करके कोटेशन जितने भी आते हैं, मतलब वही आगे बताया गया है। पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान्वचेदात, स पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान्वचेदात, इत्युक्ते काले नान्वचेदात स पूर्वे शाम अपि गुरु अस्ति। नव काले नान्वचेदात इत्युक्ते नमक समय की वहां पे कोई सीमा नहीं रहती है, जैसे ब्रह्मा देहा और भी जितने भी देवता वगैरह, इनकी भी एक सीमा रहती है, हमारी जैसे उम्र रहती है। अभी मनुष्य की उम्र तो 120 साल है, लेकिन कोई जीता नहीं है, जितना भी है ऐसे ही एक समय की सीमा होती है हमारी सबकी। देवता वगैरह भी जो है, ब्रह्मा देव, इनकी भी सबकी एक सीमा है, ये इतने समय तक रहेंगे। लेकिन जो ईश्वर है उनकी कोई सीमा नहीं है, वो काल से अनुच्छेद है, इसलिए सपूर्वेषाम अपि गुरुः सर्वेषां सः गुरुः अस्ति। तस्य वाचकः कः अस्ति इत्युक्ते, तस्य वाचकः इत्युक्ते प्रणवः, वाचकः इत्युक्ते तस्य संज्ञा किम् अस्ति, किं नाम केन उच्यते तत् सः इत्युक्ते प्रणवेन, सत्तस्य इति अतः उक्तं तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य ईश्वरस्य च ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः इति अस्ति। प्रणव इत्युक्ते ओंकारः, ओंकार से हम ईश्वर का भावना को जान सकते हैं, ओंकार का जप करने से ईश्वर प्रणिधान विशेष कर सकते हैं, ऐसे करके उपाय है। तज्जपस्त तदर्थ भावनम इति उक्तम अग्रे, नाम ईश्वर वाचकस्य प्रणवस्य जपेन ईश्वर स्वरूपस्य मनसि चिंतनेन च ईश्वरस्य प्रणिधानम भवति। नाम मनसि चिंतन, मन में बार बार चिंतन करने से ईश्वर में ईश्वर भक्ति जागृत होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, श्रद्धा जागृत होती है। हमने कल वो देखा था कि श्रद्धा भी जरूरी है, मतलब हमारा सामान्य जनानाम, हमारी सामान्य की सामान्यों में कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा या कैसे भक्ति विशेष जागृत होगी, वैसे इसलिए श्रद्धा जरूरी है। मेन कारण जो मूल कारण है वो श्रद्धा ही है, उससे हमारा हमारे अंदर भक्ति विशेष या श्रद्धा श्रद्धा से उत्पन्न होगी। तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावाश नम प्रणवस्य जपात अंतरात्मनः साक्षात्कारः विज्ञानाम् अभावः भवति इति सूत्रस्य नम सामान्य अर्थः। प्रणव के जप करने से क्या होगा? आत्म साक्षात करने के लिए जो बीच में विघ्न आते हैं, उन विघ्नों का नाश होता है, इसलिए हमारे मन में फिर
अवश्य ही प्रश्न आता है कि कौन कौन से विघ्न है, इसलिए बोला बोलते हैं व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिगत्वात् भूमिगत्वा नवस्तत्वानि चित्त विक्षेपास्तयंतराया नवंतराया उक्ता व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भ्रांति दर्शनम लब्ध भूमि भूमिगत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः एते चित्त विक्षेपाः उच्यन्ते। हमने इसका कल मतलब देखा था व्याधि इत्युक्ते रोगा इत्यादि है तथा अग्रे नाम दुख इतोपि पंच सन्ति चित्त विक्षेप सह भूवा इत्युक्ते व्याकुल ये चित्तम व्याकुलम कुर्वन्ति चित्त को जो परेशान करते हैं व्याकुल करते हैं वो कौन कौन से है दुख दौर्मणस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूवा इत्युक्ते दुख दौर्मण अंग में अंगों का कंपन होना सांस अच्छे से नहीं ले पाना ऐसे करके। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास करणीय नाम ये सब नष्ट करने के लिए या इन सब का क्षय करने करने के लिए उपशमन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक तत्वाभ्यास करना चाहिए नाम तेषां विक्षेपाणां निरोधाय ईश्वर तत्व से अभ्यास कर्तव्य। उन इन सब का जो हमने 9 और 5 चित्त विक्षेप चित्त व्याकुल जैसे अंतराय वगैरह जो देखे इन सब विघ्नों का क्षमा करने विघ्नों को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ईश्वरवाचकस्य अथवा ईश्वरस्य ध्यानः कर्तव्यः ईश्वर का ध्यान करना चाहिए अथवा प्रणव जप करना चाहिए। इसे इससे क्या होगा इससे चित्त प्रसन्न होगा। चित्त प्रसन्न कैसे होगा इसलिए आगे और भी बोलते हैं उपाय मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्च चित्त प्रसादनम भावना से चित्त प्रसन्न होता है। कौन सी भावना से मैत्री सुखेशु मैत्री करने से जो सुखी लोग हैं उनमें उनसे हम मैत्री करेंगे तो अवश्य ही पर चित्त प्रसन्न होगा। दुखी लोगों से अगर कर दुखी लोगों को अगर हम करुणा भाव दिखाएंगे या करुणा करेंगे उनके साथ तो अवश्य ही चित्त प्रसन्न होगा। कल हमने सब देखा था सुखेशु दुखेशु पुनः नम अपुण्य पुण्येशु किम कर मोदनम कर्तव्य प्रशंसा कर्तव्य अपुण्येशु उपेक्षा इत्युक्ते त्याग कर्तव्य नम उन जो पुण्य कम काम कर रहे हैं उनके लिए प्रशंसा करनी चाहिए अथवा उनसे सीखकर हमें भी पुण्य कर्म करना चाहिए नहीं तो जो पाप पुण्य पाप कर रहा है उसको देखे त्याग देना चाहिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे चित्त प्रसन्न होगा। कैसे होगा वो अनुभव से आएगा और पढ़ने से आएगा। इसीलिए आगे बोलते हैं प्रचर्दन विधारणा इतोपि अभ्यास अस्ति प्रचर्दन विधारणाभ्याम वा प्राण से अथवा प्राणायाम कर्तव्य और प्राणायाम हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं मतलब करना चाहिए चित्त को प्रसन्न करने के लिए चित्त प्रसादन उपाय है एक प्राणायाम करने से क्या होगा इसलिए मैं कल भी एक वो बोला था चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत नमः चले वाते चलम चित्तम हमारे जो चित्त है वो वायु स्वरूप है। अगर वायु चंचल है तो हमारा चित्त भी चंचल है सामान्य है इसलिए वायु का निरोध करने से चित्त का भी निरोध निरोध मतलब चित्त भी चंचल रहित होगा। इसलिए उगते हैं चले वाते चलम चित्तम निश्चले जब वायु निश्चल होगी तो चित्त भी निश्चल होगा। इसलिए इससे क्या उत्पन्न होगा एकाग्रता उपाय इसीलिए तो पता चित्त प्रसन्न उपाय चित्त प्रसन्न क्यों करना है हमें चित्त प्रसन्न करने मतलब ऐसे हम जैसे भोग कर रहे हैं वैसे ही और अच्छे से भोग करेंगे चित्त प्रसन्न उसके लिए नहीं एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए एकाग्रता उत्पन्न करेंगे अगर हम तभी चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। इसलिए एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए ये सब उपाय बताए गए हैं प्राणायाम इतोपि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधीनि इतने विषय विषयों में जो स्थिर रहने की मन की स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति में भी अगर संयम करेंगे संयम इत्युक्ते धारणा ध्यान समाधि ये तीसरे पाद में आता है मतलब एक जगह जब हम धारणा करते हैं ध्यान करते हैं और समाधि बाद में अंत में जो करते हैं उसी को संयम रूप तांत्रिकी भाषा इत्युक्ते शास्त्रीय भाषा में संयम कहते हैं। कहाँ संयम करना चाहिए जो स्थिर एक वृत्ति उत्पन्न होती है मन में उस स्थिर वृत्ति में स्थिति में मन का संयम करना चाहिए उससे भी एकाग्रता उत्पन्न होगी। पुनः विशोका ज्योतिष्मति नाम चित्तस्य शोक रहित अवस्था तथा च प्रकाश स्वरूप प्रवृत्ति ही अभी मनसा स्थिरता कारयति चित्तस्य शोक रहित अवस्था और प्रकाश स्वरूप प्रवृत्ति ही प्रकाश स्वरूप इत्युक्ते सात्विक वृत्तियां सात्विक वृत्तियां बुद्धि का सत्व जो स्वरूप है उसमें भी हम अगर वो करेंगे संयम करेंगे तो स्थिरताम कार्यति अथवा अर्थात किम अस्ति कहा अस्ति इत्युक्ते एकाग्रता उत्पन्न करती है
अग्रे कः उपायः इत्युक्ते वीतरागविषयं वा चित्तं, वीतरागविषयं वा नाम विगतः रागः येषां चित्तं, तादृशः चित्त चित् तादृशं चित्तं येषाम् अस्ति, नाम यस्मिन् चित्ते रागद्वेषौ न भवतः, तादृशः योगिनः चित्तं स्थिरं भवति। वैसे अगर जो चित्त है जिनके राग और द्वेष है, जिनके चित्त में नहीं है, जैसे महर्षि वगैरह हम देख सकते हैं, उन महर्षियों के चित्त में भी अगर हम संयम करेंगे तो भी एकाग्रता उत्पन्न होगी। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन व स्वप्न यत मनोहरम वस्तु दृष्टम सुषुप्त यत सुखम अनुभूतम तस्मिन् ध्यानातपि मनः निश्चल निश्चलम भवति। नम अगर सपने में कोई मनोहर वस्तु देखी है अथवा सुषुप्त अवस्था में, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं आज हमने बहुत आज मैंने बहुत अच्छे से नींद की, मैं सुखे सुखे न हम अभाप्सु ऐसे करके वेदांत सार में या कहीं पे भी तो आती है पंक्ति, मतलब हमें अनुभव होता है कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छे से नींद की। कभी कभी हम सोचते हैं आज रात को अच्छे से नींद नहीं हुई, थोड़ा मेरा चित्त अच्छा नहीं है, काम कर नहीं कर रहा है। वो जो अनुभव है हमारा, स्मृति है, आज मैंने अच्छे से नींद किया, उस स्मृति में भी अगर हम संयम करेंगे तो एकाग्रता उत्पन्न होगी। सामान्य अगर हम भाषा में देखेंगे, हम किसी एक चीज को सोचेंगे तो अन्य वृत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी मन में, अन्य वृत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी, एक ही वृत्ति को बार बार सोचेंगे बार बार सोचेंगे तो अवश्य ही एकाग्रता उत्पन्न होगी। ऐसे सामान्य भाषा में अनुभव के बिना भी हम ऐसा ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ये सभी का अनुभव है, इसमें प्रमाण प्रमाण नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं अभी कभी कभी हम एक ही चीज को इतना देखते हैं, कभी कभी हम मूवी देखते हैं इतना ध्यान से देखते हैं, कोई बुलाता है हमें ना, हमारा नाम बुलाता है, हम सुनते भी नहीं है, ओके वही एकाग्रता है। वैसे ही अगर जो जो उपाय बताए गए हैं इनमें से किसी भी एक में भी इतना अगर हम सूक्ष्म से ध्यान करेंगे तो अवश्य ही एकाग्रता उत्पन्न होगी। यथा अभिमत ध्यानात् वा अग्रे उच्यते, नाम ये जो ऊपरी उपाय बताए, इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को करेंगे जो यथाष्ट है, मतलब अपना आपको जो अच्छा लगता है उसमें से एक का भी अभ्यास करने से एकाग्रता उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा, परमाणु परम महत्वांतोस्य महत्वांतोस्य वशीकार है, इत्युक्ते चित्त की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इन सब के करने से, मतलब परमाणु अगर हम चित्त अपने चित्त को चाहते हैं कि बहुत से बहुत छोटी वस्तु में भी संयम करना वो कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी आकाश जैसी मतलब बड़ी से बड़ी वस्तु में भी चित्त का संयम करना अगर हम चाहते हैं, चित्त को संयम करना या उसमें ध्यान लगाना हम चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए परमाणु परम महत्व अंतः नाम तेषाम उनके अंदर भी हम ध्यान लगा सकते हैं, ऐसा चित्त की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ये सब एकाग्रता उत्पन्न करने से, विघ्नों का नाश करने से और एकाग्रता उत्पन्न करने से। इसलिए आगे मतलब ये सूत्र इसलिए आया गया है, अनुष्ठान के द्वारा चित्त का कैसा परिणाम अथवा उसकी क्या क्षमता हो जाती है, इसलिए ये सूत्र बताता है परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। नमो वशीकारः कस्य वशीकारः, एकाग्रीभूतं चित्तं अतिसूक्ष्मं प्रमाणुभूतं वस्तु तथैव अतिस्थूलं वस्तुं च ग्रहीतुं शक्नोति। अभी हमारा चित्त है कुछ अच्छे से मतलब 10-12 लाइनें अगर एक साथ बोल दे संस्कृत की, अगर 4 लाइनें हम एक साथ बोल दे तो हमारे चित्त में कुछ नहीं पड़ता है कि क्या बोला, अगर एक साथ अगर वैसा अगर जो एकाग्री एकाग्री युक्त चित्त है उसको हम वैसा अगर करेंगे तो वो सब कुछ जान सकता है। आगे और भी आएगा, क्षीण वृत्ते है अभिजातस्यैव मणे है ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। नमक क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणे है ग्रहित, जैसे हमारा क्षीण वृत्ते इत्युक्ते वृत्ता वृत्तया क्षीणा भवन्ति चेत् कीदृशं चित्तं भवति, वही बताते हैं कैसा चित्त हो जाएगा अगर ये सब वृत्तियां अगर क्षीण हो जाती हैं, कैसे उपाय करने से, तो स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि को हम किसी के पास रखेंगे, लाल पुष्प अथवा पीला पुष्प किसी के पास रखेंगे वो वैसा ही दिखता है, ऐसे ही जिस विषय में हम चित्त को लगाएंगे वही विषय यथार्थ रूप से हमारा चित्त प्रकाशित करेगा, उसमें सिर्फ सत्व रह जाएगा, रजस और तमस ये खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब बिल्कुल नाश नहीं होगा, क्योंकि एक गुण अकेला काम नहीं कर सकता, तीनों गुणों को अपेक्षा होती है आपस में, लेकिन उनका अभिभव हो जाता है, सत्व गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है इसलिए वो अधिक हो जाता है, ये दोनों निम्न हो जाते हैं इसलिए उसका प्रभाव अधिक रह जाता है।
सम्यक् आपद्यते चित्तं वस्तु स्वरूपं इत्युक्ते समापत्तिः। शुद्ध स्फटिक मणि जो मैंने अभी बोला, विगत रजस्तमो गुणस्य चित्तस्य सूक्ष्मेषु ध्येय पदार्थेषु सारूप्यम यदा जायते सैव संप्रज्ञातः समाधि, नम वही संप्रज्ञात समाधि अथवा समापत्ति ही इति उच्यते। नम आत्मा के विषय में जैसा क्यों बोला जाता है एकाग्रता उत्पन्न करने से, कि आत्मा विषय जो गूढ़ ज्ञान ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान को हम ऐसे नहीं जान सकते। अगर हमारा चित्त अगर कुछ भी एक बोलेंगे, हमारा चित्त इतना ग्रहण नहीं होता, आचार्यात पादम आदत्ते पादम स्वशिष्य में ऐसा करके जो है हम उसको उतना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब योगी जो साधना करते हैं उनका चित्त वैसा नहीं होता है, वो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे ही संकीर्णा सवितर्क, तत्र शब्दार्थ विज्ञान नम कल्पे, शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों वृत्तियां तीनों मिश्रित अगर हम देखेंगे, जैसे शब्द अर्थ और ज्ञान वस्तुतः ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका भाषित या ये कैसे ज्ञान होता है हमें एक ही जैसे भाषित होते हैं। जैसे कोई बोलेगा पद्मम पश्य, पद्म पश्य हम क्या से दे सीधा, अगर किसी कोई तालाब है पास में, कोई बोलेगा पद्मम पश्य, पद्म पश्य इत्युक्ते हम सीधा तालाब में देखेंगे, वहां पे फूल हमें दिखाई देगा। वो कभी नहीं ये सोचता है कि प द द अदा और म वैसे करके पद्म ऐसे वर्णों को नहीं चिंतन करता है, सीधा तालाब में पुष्प देखता है। वैसे उसने तो बोला नहीं कि ऐसे करके, शब्दों को उसने बोला, अर्थ हमने लिया ज्ञान जो है उसका अर्थ का अर्थ और ज्ञान वो हमने लिया ऐसे करके बोला। लेकिन वहां पे योगी लोग ऐसा कर, यहाँ पे लिखा है जैसे मातरम स्मर, ऐसे कोई बोलेगा तो हम मात्र ऐसे करके नहीं सोचते हैं कि हाँ ये वर्ण होंगे, हम सीधा हमारी जननी जो है उनको उनका चिंतन करते हैं। जैसे इसीलिए शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों से मिलके जो होती है वो सवितर्का नाम की समाधि उत्पन्न होती है आरंभ में, इन सबके बाद। इसलिए वहां पे बोला गया है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे ही संकीर्ण नाम भी ध्येय वस्तुनः शब्द अर्थ ज्ञानम इति एते त्रयः अपि यत्र भासन्ते सा सवितर्का समापत्तिः संप्रज्ञात समाधि भवति। नम उस समय योगी को जो वस्तु ली गई है उस समय उसका वर्ण भी चिंतन में आता है, वर्ण मतलब जैसे पद्म कमल ऐसे पुष्प अगर लिया उसके वर्ण पुष्प ऐसे करके वर्ण भी उसके मन में आएंगे, उसका अर्थ भी आएगा, उसका ज्ञान भी आएगा। इसलिए यह कौन सी सवितर्का नाम की समाधि उत्पन्न होती है। पुनः अग्रे किमस्ति स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। नम स्मृति परिशुद्धौ, अभी हमने जो देखा ऐसे वर्ण वगैरह ये सब आगे वाली जो इससे बाद में उत्पन्न होती है उसमें ये सब इनके सबका लय हो जाता है। नम शब्दार्थ ज्ञाने निवृत्ते सति, शब्द अर्थ और ज्ञान इन सबका जब निवृत्ति हो जाती है तो अर्थ मात्र प्रकाशिता निवृत्त, अर्थ केवल अर्थ हमें आता है। निर्वितर्का वस्तु उत्पत्ति नम ज्ञायते। स्मृति रूप संकेत यदा विलीन भवति तदा स्वकीय अस्तित्व नष्टम इव भवति तदा केवलम अर्थ एव भासते। नम उस समय योगी ऐसा हो जाता है, सवितर्का में क्या करता है वो, सवितर्का में जो वस्तु उसने ली है उसके मन में ये सब रहता है कि साधक के मन में कि ये मैंने वस्तु ध्येय का ध्यान करने के लिए ली है, इसका ऐसे ऐसे ध्यान करना है, ऐसे ये सब ये क्या वस्तु है, पुष्प है, पुष्प क्या होता है, यह सब आएगा। लेकिन निर्वितर्का में सवितर्का निर्वितर्का निर्वितर्क में क्या आएगा, उसका सब कुछ भूल जाएगा वो, सिर्फ अर्थ मात्र उसका ज्ञान होगा, उसको भाषित होगा। इसलिए बोलते हैं अनेकानि वस्तूनि आगच्छन्ति, नाम जैसे पद्म बोलने से, पद्म बोलेंगे तो अनेक वस्तुएं हमारे मन में आएगी, पद्म बोलने से वर्ण आएंगे है, कमल का पुष्प आएगा जो उसको प्रकाशित करता है, तो वो सूर्य का भी आएगा क्योंकि कमल को प्रकाश मतलब कैसे उत्पन्न होता है, वो कैसे विकसित होता है सूर्य की किरणों से, वो भी हमारे मन में आ सकता है क्योंकि उनका रिलेशन जहाँ संबंध जहाँ जहाँ होगा वो सब उसमें आएगा, सब इधर के समाधि में। तड़ाग आएगा, तालाब आएगा क्योंकि उत्पन्न वो वहीं होता है, पंख पद्म आएगा क्योंकि वो उत्पन्न पंख कीचड़ से होता है, कीचड़ के बारे में भी हमारी सोच जा सकती है, वृत्ति व्यापार हो सकता है। लेकिन निर्वितर्का में ऐसा कुछ नहीं होता, निर्वितर्का में केवल उसी के ऊपर उसका ध्यान रहता है जिसका जो वस्तु उसने ध्यान के लिए ली है, वैसा कुछ नहीं आता है, अन्य सब वृत्तियों का लय हो जाता है। इसलिए स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यम इव अर्थः भवति, नमः अन्यम सर्वम शून्यम भवति अर्थः एव प्रतिभासते।
अग्रे एत एव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। नमः इन दोनों को विचार से आज जैसे हमने सभी तर्क और निर्वितर्क वैसे लिया वो सूक्ष्म विषय के लिए सविचार और निर्विचार है, स्थूल विषयों के लिए जो हमने सवितर्क और निर्वितर्क देखी। सूक्ष्म विषय और स्थूल विषय कौन है? जो भी पंचभूत की जो भी हमें दिखता है, पंचभूत की जो भी है वो सब स्थूल है। जो हमें दिखता नहीं है, दिखता नहीं है मतलब जो सूक्ष्म है वो हमें दिखता नहीं है, जैसे पंच तन्मात्राणि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम अनुभव उनका कर सकते हैं। सांख्य प्रक्रिया सांख्य कारिका में जो प्रक्रिया है सृष्टि की, आगे वाले सूत्र आएगा उसमें बताता हूँ। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम इत्युक्ते सूक्ष्म इतोपि सूक्ष्म भवति कथम इत्युक्ते अधुना वदिष्यामि। सांख्य कारिका में क्या है, सृष्टि की प्रक्रिया मतलब पुरुष और प्रकृति दोनों नित्य तत्व है। सांख्य में प्रकृति जो है वो साम्यावस्था उसकी जब रहती है पुरुष के प्रकाश से, सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों में क्रिया उत्पन्न होती है, उससे महतत्व उत्पद्यते। महतत्व इत्युक्ते बुद्धि तत्व अत्यंत सात्विक रूपम उत्पद्यते, पहला जो तत्व उत्पन्न होता है प्रकृति और पुरुष से बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियाणि इत्युक्ते पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि और मन एकादश इंद्रियाणि, तामसिक अहंकार से तन्मात्राणि, तन्मात्राणि इत्युक्ते शब्द स्पर्श रूप रस गंध गंधाख्यानि तन्मात्राणि, ये सब उसमें उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राओं से भी पंच महाभूत जो हमें दिख रहा है शब्द नम पृथ्वी तेज वायु आकाश नम, ये सब इसमें स्थूल क्या है, जो पंच महाभूत है यही स्थूल है, बाकी सब सूक्ष्म है। आगे वाले सूत्र में सूक्ष्म विषय तुम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषय तुम चालिंग पर्यवसानम इत्युक्ते नम सूक्ष्मता का विस्तार कहाँ तक है, इसलिए ये सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम। सूक्ष्म विषय नम उसका विस्तार कहाँ तक है इसलिए बोलते हैं पंच महाभूत भूत का जो सबसे पहला सूक्ष्म रूप स्वरूप है वो है तन्मात्राणी। तन्मात्राओं से अहंकार और भी सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म अहंकार से और भी बुद्धि तत्व जो है वो सूक्ष्मतम है। इसीलिए ऊपर जैसे सृष्टि क्रम होती है वैसे ही हम पीछे जाएंगे तो वो सूक्ष्मतम हो जाए, सूक्ष्म होती जाएगी। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ, पंच महाभूतों जो है पंच महाभूत उनसे सूक्ष्म क्या है वो स्थूल रूप है, उनसे सूक्ष्म क्या है पंच तन्मात्राणि क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पंच तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म क्या है अहंकार, अहंकार से भी सूक्ष्म क्या है बुद्धि तत्व। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं निर्विचार समापते सूक्ष्म विषयता प्रधाने पर्यवसति तन्मात्रेभ्यः अहंकार तदेव तन्मात्रेभ्यः अहंकारः सूक्ष्मः ततः महत् सूक्ष्मतरं प्रधानं तु सूक्ष्मतमं। नाम प्रधानम् इत्युक्ते प्रकृतेः नामान्तरं, प्रधान और भी सूक्ष्मतमं है क्योंकि वो उनका उसका लय नहीं होता है। इन सब जो भी बाकी तत्व है अव्यक्त अव्यक्त तत्व, अव्यक्त का भी लय नहीं होता, अव्यक्त तत्व जो भी है उन सब का लय हो जाता है। अव्यक्त इत्युक्ते प्रधानम, व्यक्त इत्युक्ते और जो 23 तत्व बचते हैं, 23 तत्व इत्युक्ते पंचदश पंच ज्ञानेन्द्रियाणी पंच कर्मेन्द्रियाणी पंच तन्मात्राणी मनः गुणः पंच महाभूतानि और अण अहंकार और बुद्धि, ये सब 23 तत्व होते हैं जो व्यक्त रूप व्यक्त नाम से कहलाते हैं और इनका सबका लय हो जाता है। लेकिन प्रकृति अव्यक्त कहलाती है, पुरुष है तो ज्ञा नित्य ज्ञा इत्युक्ते ज्ञानम सर्वम जानाति। ताह एव सबीजः समाधि, ताह इत्युक्ते पूर्व ये सविचार निर्विचार सवितर्क निर्वितर्क ये जो जे जितनी भी जो हमने पढ़ देखी ये सब सबीज समाधि है। सबीज इत्युक्ते बीज इत्युक्ते नमः संसारस्य कारणम, संसारस्य कारणम किम अस्ति अविद्या। ये सब जो हमने चारों देखी संप्रज्ञात समाधि ये सब अविद्या युक्त है, मतलब सात्विक है लेकिन फिर भी अविद्या से युक्त है, इसलिए इनका भी निरोध करना चाहिए। कैसे वो आ गया और आएगा 2-3 सूत्रों में, इसलिए बोलते हैं ता एव सबीजः समाधि न तु निर्बीजः। सबीजः इत्युक्ते इससे भी हम बंधन में ही रहते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, सबीज इसलिए बोलते हैं। बीजः इत्युक्ते अविद्या। नमः सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समापत्तयः एव सबीज समाधयः भवन्ति, एतासु समापत्तिषु पुरुष प्रकृतयो विवेक ज्ञानम न भवति। नमः मुक्ति कैसे होती है, विद्या का नाश कैसे होता है, विद्या ज्ञान क्या है, पुरुष प्रकृतयो विवेक ज्ञानम उत्पद्यते चेत
विवेक ज्ञान जब उत्पन्न होता है उसी को हम विवेक ख्याति बोलते हैं, उससे ही मुक्ति होती है। लेकिन इन समाधियों में विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अतः तासु बंध बीजा भवति, बंधनम भवति एव न तु मुक्तः भवति पुरुषः, पुरुषः इत्युक्ते साधकः। तस्मात् सबीज शब्देन ताः समापत्तयः व्याह्रियन्ते। नाम बीजम नाम कारणम, कस्य कारणम, संसारस्य कारणम। संसारस्य कारणम किम् अस्ति? अविद्या। अविद्या नष्टे सति किं भवति? विवेक ख्याति उदयति। विवेक ख्याति उदयति चेत् किं भवति? नाम कैवल्यम सिद्ध्यति। निर्विचार वैशारध्ये अध्यात्म प्रसादः। नाम निर्विचार वैशारध्ये प्रकृष्ट अभ्यास से निर्मित, नाम चित्त निर्मले सति अध्यात्म प्रसादः इत्युक्ते आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए इसलिए मैं जो निर्विचार वगैरह जो अभी तक जो बोली, का एव सभी ज समाधेह, जहां तक ये सब क्या है, अविद्या युक्त है। इसलिए हमें अविद्या का नाश करना चाहिए और भी उत्कृष्ट अभ्यास करना चाहिए। उससे क्या होगा, अध्यात्म के ज्ञान उत्पन्न होगा। विवेक ज्ञानम इत्यर्थ आत्मज्ञानम। नाम योगी साधक आत्मज्ञानम प्रति प्राप्त होती यदि बुद्धि से, नाम आत्मज्ञान उसके जो आवरण है ऊपर, आत्मज्ञान दिखते पहले से ही है लेकिन ऊपर से आवरण हो गया, इसलिए वो दिखता नहीं है। जब वो आवरण नष्ट हो जाता है, कौन सा आवरण, बुद्धि के ऊपर जो रजस और सत्व इन दोनों गुणों का जो आवरण है, उसके कारण वो बुद्धि भी कलुषित हो जाती है और पुरुष भी भोग में पड़ जाता है कि हम कर्ता, हम भोक्ता, हम सुखी, हम दुखी, ऐसे रूप से। जब ये आवरण का नाश हो जाता है तो आत्मज्ञान का उदय होता है। ऋत अग्रे सूत्रमस्ति, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। अतः समय नम ऋतव यदा पुरुष ख्याति उत्पद्यते तदा आत्म प्रकाशिका मनोवृत्ति जायते। तथा किं भवति, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष विशेषार्थत्वात्। नम ऋतंबर, अभी सामान्य लोग भी अनुमान वगैरह कर सकते हैं। जैसे पर्वत पे हमने, मैंने धूम देखा, धूम देखा तो मुझे ज्ञान हो गया वहां पे अग्नि है। क्या मैं योगी हो गया, मेरा चित्त मतलब मेरा जो है ये सब समाधियां सिद्ध हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने वो अनुभव से देखा। बिना अनुभव के जो ज्ञान से देखते हैं, जैसे महाभारत है, यहाँ इसमें हम देखते हैं दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य इंद्रिय, मतलब जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिया था दिव्य दृष्टि, घर में से देख के उन्होंने ग्रामांतर, ऐसे नगरांतर जो युद्ध चल रहा था उसको भी देख सकते थे। ऐसे जो उत्पन्न होता है जो दिव्य ज्ञान, वही विदंबरा प्रज्ञा नाम से जाना जाता है। नमस्ते नमस्ते, अतः शीघ्र समापयामि। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी इत्युक्ते ऋतंबरा अपि काचित् वृत्ति भवति तस्यापि निरोधः कर्तव्यः। क्योंकि ये सब वृत्तियां जो है, हमने ज्ञान जो हो रहा है ये सब वृत्तियां ही है, इसलिए वृत्तियों का ना